Assalamualaikum beautiful people, welcome back to my channel। ये रेसिपी है एक सिंपल खीमे की। ये एक सिंपल खीमा है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बट सबका एक तरीका होता है बनाने का। तो ये मेरा तरीका है बनाने का। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन खीमा, जिसके लिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले दे दिए। एज यूजुअल मैं ऑयल को थोड़ा गरम करती हूँ और फिर इसको क्रैकल होने के लिए डाल देती हूँ। एक मिनट के बाद जब ये क्रैकल हो जाएगा तो मैं इसमें अनियंस डालूंगी। देयर इज नथिंग न्यू इन इट, बट सिंपल है। बट कई बार सिंपल खाने का भी बहुत दिल चाहता है, सिंपल चीजें भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये एक ऐसी डिश है जो मुझे भी बहुत पसंद है, चिकन खीमा। अब गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, तो मैं इसमें डाल दूंगी खीमा और उसको भी हम अच्छे से फिर भून लेंगे थोड़ा प्याज के साथ, ताकि जो प्याज का और खड़े गर्म मसाले के फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से आ जाएं। आप कौन सी ऐसी सिंपल डिश खाते हैं जो आपको बहुत पसंद है, येट इट इज़ वेरी सिंपल, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब इसमें पाउडर मसाले डाल देते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च फॉर द कलर। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले डालिए कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे सो दैट इनका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए और ऑयल सरफेस पे आ जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे, जो मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। ये सिंपल चिकन कीमे की रेसिपी आप बहुत सारी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। अभी रमज़ान आने वाले हैं, आप इससे सैंडविचेस प्रिपेयर कर सकते हैं, चिकन पॉकेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें ये फिल कर सकते हैं, इसे एज अ फिलिंग रख सकते हैं। और ये सारी प्रिपरेशंस आप रमज़ान से पहले कर सकते हैं सो दैट आप रमज़ान में इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें और खाने बनाने में ज़्यादा टाइम ना गुजरे आपका। यहाँ पर मैंने एक मिर्च और एक टमाटर डाल दिया है काट के बारीक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा टेस्ट पसंद है आपको तो ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया, अच्छे से भून लिया है और फिर यहाँ मैं पानी डाल दूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी तो मैंने अभी डाल दी है और उसके बाद मैं पानी डालूंगी। 1 कप पानी डाला है मैंने ये, थोड़ा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और नमक डाल दिया लास्ट में। और अब इसे मैं 15 मिनट्स के लिए कुकर में चढ़ा दूंगी मीडियम लो फ्लेम पे। और पहले मैं 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे करूंगी, फिर 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे करूंगी। चिकन है तो जल्दी गल जाएगा। आप सबकी रमज़ान की क्या प्रिपरेशंस चल रही हैं, क्या प्लानिंग है, ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये मेरा खीमा रेडी है। अब मैं इसे गार्निश कर लूँगी कोरिएंडर लीफ से, अच्छे से। हरा धनिया का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और अब मेरा खीमा रेडी है, इसे डिश आउट कर लूँगी मैं। इसे अब बना के डिफरेंट वेजीज के साथ मेयोनीज मिला के, सॉसेस मिला के, सैंडविचेस में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी फिलिंग आप समोसे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, समोसों में डाल सकते हैं। आप उसे फ्रीज कर देंगे तो वो आपको रमज़ान में इजी रहेगा, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ्तारी में बहुत ज़रूरत होती है ये सब बनाने की एट द मोमेंट, तो वो जल्दी हो जाएगा आपका काम और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रमज़ान में, मेहनत नहीं लगेगी। तो ये आप बना के रख लीजिए और आप इसे एज यूजुअल सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, राइस के साथ, जीरा राइस के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।